हाय, मैं हूँ एंजल राय। हाय, मैं हूँ आर्यन राय। एंड यू आर वाचिंग नेशनल रिपोर्ट। ओके मैम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज आप सॉन्ग के लॉन्च में आए, कैसा लगा आपको सॉन्ग, वो बताइए आप। सॉन्ग तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप जो भी लोग देखने वाले हैं उन लोगों को भी बहुत पसंद आएगा और सपोर्ट करेंगे। और ये मेरे फ्रेंड आमिर शेख का सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा, एक रोमांटिक और सैड फ्लेवर है गाने में, और आप देखेंगे तो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। सिंगर सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। सो गाइज, जितना हो सके सपोर्ट करिए चाहिए गाने को और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो आपका नाम ज़रूर आता है। आप इतना धमाका मचाती है, जब भी आप कोई वीडियोस डालती है या कुछ भी आप बनाती है तो कहीं ना कहीं आपके फैंस है वो बहुत प्यार करते हैं आपको, क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ मैं अपने फैंस के बारे में सोच के ही बनाती हूँ कि ये कैसा लगेगा, मतलब सभी को, और क्या रिस्पॉन्स होगा। सो मतलब एक ना कनेक्शन है फैंस और मेरा, मतलब मेरे सारे एंजल लवर्स का और मेरा एक दिल से कनेक्शन है कि मैं अब फैंस मानती नहीं, एक फैमिली जैसा कनेक्शन हो चुका है। सो जितना भी मैं वीडियोस बनाती हूँ ये सारे मेरे एंजल लवर्स और वेल विशर्स के लिए है, जितना मुझे प्यार करते हैं। ओके, जब आप ये वीडियोस बनाते हैं, इस तरह के आप वीडियो बनाते हैं तो किस तरह का रिएक्शन आपको मिलता है? मतलब फैंस तो बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन जो आपकी फैमिली है, जो आपके फ्रेंड्स है, वो क्या रिएक्शन देते हैं? फैमिली तो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, इवन मेरी मम्मी मेरे वीडियोस बनाती है। सो मुझे फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। फ्रेंड्स इतने हैं नहीं मेरे, बहुत कम हैं, पर वो क्लोज फ्रेंड्स हैं। सो सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतना सब कुछ मिला है लाइफ में। टिकटॉक ने आपको काफ़ी प्यार दिया, लेकिन टिकटॉक जैसे ही बंद हुआ तो कई सारे नए प्लेटफॉर्म खुले, तो कितना मुश्किल हुआ लॉकडाउन के समय में एक जो आपका प्यार करने वाला वो बंद हुआ? जी दुख तो हुआ ही, क्योंकि जहाँ से मैं लोगों से कनेक्ट थी वो एकदम से सडनली बंद हो गया। सो झूठ नहीं बोलूँगी, हर्ट तो हुआ, पर एक अच्छी चीज़ ये हुई कि हमारी इंडियंस ऐप आ गई। सो वो बहुत एक अच्छी चीज़ है। सो ये पहले हो जाना चाहिए था, पर ये अब हो रहा तो फिर भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। ओके, इसके अलावा जैसे कि कई सारे सेलिब्रिटीज टिकटॉक स्टार है, टीम 07 है, जन्नत है, तो इस तरह के कई उनके सॉन्ग आते तो सोशल मीडिया में हंगामा मचा देते, तो ऐसे कब आप आने वाली हैं सॉन्ग लेकर, नया सॉन्ग लेकर, कुछ आप बताना चाहेंगे? अभी सॉन्ग्स की, अभी जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में मैं नहीं बता सकती, और क्योंकि मुझे मना किया गया है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं लाइनअप, तो जैसे ही टाइम आएगा मैं सभी को बताऊंगी कि कौन कौन से सॉन्ग मैं करने वाली हूँ। और प्रोजेक्ट्स भी हैं, लोगों के साथ कोलैब भी कर रही हूँ बहुत सारे। सो सोशल मीडिया पर सब अपडेट मिलता रहेगा। बॉलीवुड की अगर बात करें, किस स्टार के साथ आप काम करना चाहिए अगर आपको फिल्म मिलता है? रणवीर सिंह है, सलमान खान है, मैं सभी के साथ काम करना चाहूँगी। मैं किसी के साथ क्या किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? सभी के साथ, सभी के साथ, सभी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सो मैं चाहती हूँ कि एक तो एक्सपीरियंस भी गेन होता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितना से ज़्यादा काम कर पाऊँ, तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। ओके, आगे की क्या प्लानिंग है? होली आने वाली है, होली क्या आप सेलिब्रेट करते हैं या लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, होली कैसे मनाएं? जैसा है त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, अच्छे से मनाइए घर के साथ, घर में जो लोग हैं उनके साथ स्पेंड कीजिए टाइम, और जितना हो सके यू नो हर्ट ना करें लोगों को कलर से, या पानी वेस्ट ना करें, जो भी होता है बोलते हुए आए हैं पीछे से, तो मतलब पहले मतलब पिछले सालों में बहुत ज़्यादा यू नो पानी वेस्ट हुआ है और बहुत कुछ हुआ है। सो आई होप लोग इस तरह अच्छे से इस बारी सेलिब्रेट करेंगे और लोगों को हर्ट नहीं करेंगे एंड इंजॉय करेंगे। जैसे कि आपकी मम्मी ने आपको काफ़ी हेल्प किया, तो कितनी हेल्प करती है आपकी मम्मी वीडियो बनाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि मेरी मम्मी के बारे में कि मैं यहाँ पर हूँ तो सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से हूँ, क्योंकि लोग जब नहीं जानते थे तब मेरी एक मम्मी थी जिन्होंने मुझे यू नो दिल से सपोर्ट किया, और यू नो मुंबई में आपके ब्रदर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो भी कभी कभी वीडियोस में आ जाते, क्या कहते हैं? आइए आइए, आओ आओ, आर्यन आओ,
बताइए कैसा लगता है आपको? यहाँ पे बैठ जाओ। दोनों ही स्टार माने जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हेलो, आप दोनों ही स्टार माने जाते, क्या कहना चाहेंगे? स्टार तो नहीं, बट हम लोग पता है क्या हुआ कि जब टिकटॉक पे यू नो जब कोरोना सब कुछ चल रहा था, पैंडेमिक हो रहा था, इसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी जा रही थी, रीच जा रही थी इसकी, धीरे धीरे यू नो पॉपुलैरिटी गेन हो रही थी, सो एकदम से बंद हो गया, मेरे उगते हुए सितारे को एकदम से सारा इसका सब कुछ छीन लिया। कैसा हुआ एकदम से प्रोफाइल अच्छा जा रहा था और फिर खबर आई नहीं, फिर एकदम से मोदी जी ने पूरे इंडिया का टिकटॉक हैक कर लिया। लेकिन उसके बाद तो आप नए इसमें आए रहेंगे, नए। फिर अब रील पे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें फिर से लोगों का, और हम अपने आप को स्टार्स तो नहीं कहते बट एक अच्छी जोड़ी लोग हमें कहते हैं, भाई बहन की। तो कितना आपको फील होता है, किस तरह का रिस्पांस मिलता है? आपके तो फ्रेंड्स हो गए, वो क्या रिस्पांस देते हैं? फ्रेंड्स के साथ भी मेरा ओके सीन है, मतलब वो लोग मुझे ऐसा भी नहीं कहते कि बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, नहीं, क्योंकि वो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से ही है, जब मैं नाम कुछ नहीं था तब भी और आज भी वो लोग तब भी मेरे साथ ही है। और आगे की क्या प्लानिंग है? आप दोनों को एक साथ सॉन्ग में आएंगे या रक्षाबंधन फेमस रक्षाबंधन सॉन्ग? हाँ, अगर कोई करना चाहे तो हम जरूर हम रेडी हैं। और आप क्या करना चाहेंगे, आगे की क्या प्लानिंग है? मतलब आपकी सिस्टर इतनी बड़ी सोशल मीडिया स्टार ही है, लेकिन आप क्या करेंगे? कोई फिल्म आप करना पसंद करेंगे, सॉन्ग करना पसंद करेंगे, आप बताओ। मैं अभी तो मतलब डांस में काफ़ी इंटरेस्ट है मुझे, और मैं आगे चल के जब मेरे स्कूल ख़त्म होते हैं थोड़े, तो मैं डांस में अपना ध्यान दूंगा अच्छे से। और अभी तो एग्ज़ाम आ गए हैं, तो जिन जिन के भी एग्ज़ाम है अभी पढ़ाई करो अच्छे से सब लोग, उनको यही कहना चाहूँगा। आखिर में अपने फैंस से आप दोनों क्या कहना चाहिए? थैंक यू हमें इतना अभी तक प्यार देने के लिए, प्लीज़ आगे देते रहिए और ऐसे प्यार बनाए रखिए। दिल से बहुत खुशी होती है जब आप लोग मेरे वीडियोज़ को इतना पसंद करते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ तो सही कर रही हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है, सो प्लीज़ प्यार बनाए रखिए। और जब कभी हम ठीक भी नहीं करते तो वो लोग बता देते हैं कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तभी भी इतना सपोर्ट करते हैं, सो ये बहुत एक हम बहुत ग्रेटफुल है इस चीज़ के लिए और ब्लेस्ड है, सो प्लीज़ ऐसे ही हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। वेलकम।